तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज के सुबह हम लोग का बैग पैक हो रहा है, क्यों हो रहा है ये तो आप लोगों को पूरे वीडियो में ही पता चलेगा, और आप लोग देखते रहिए आखिरी तक ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों हम लोग बैग पैक कर रहे हैं। तो इधर देख रहे होंगे कुछ कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं और कुछ कपड़े हैं मेरे रूम के अंदर में, तो ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। इधर में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसे भी हम फटाफट अरेंज करेंगे और बैग पैक करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोग कहाँ निकल रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं ये सारी चीज़ आप लोगों को वीडियो में ही पता चल जाएगा, तो स्टे ट्यून, बने रहिए। और जितने भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ढेर सारा प्यार दीजिए, मिलते हैं। इधर दोस्तों सैमली बैग पैक कर रही है और एक बैग पैक करना हो गया है और दूसरा बेबी का कपड़ा सबको वो पैक करने में लगी हुई है। और इधर इधर सुहाना ही है, उधर बाहर चली गई खेलते खेलते। हम लोग आए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, जैसे ही हम लोग का सामान लेना हो जाएगा फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और हम लोग का सफ़र काफ़ी लंबा है तो जाने में काफ़ी देरी लगेगा, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी चले जाए। और इधर में है श्यामली, वो सामान लेने के लिए गई हुई थी, वहाँ से वो लेगी अगर उसको मिल गया लगता है। हाँ मिल गया, तो हम लोग उसे लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलेंगे। काफ़ी गर्मी भी है और ठंड का भी मौसम है, ड्राइव करते हुए जाएंगे तो काफ़ी लेट लगेगा। ये लेकर क्या क्या चीज़ लिए है देखिए, और देखिए ये गुलदस्ता है, ठीक है ओखली जिसे कहते हैं। सो गाइस, अब हम लोग रेडी हो गए हैं और काफ़ी लेट हो चुकी है, तो हम लोग मार्केट से भी वापस लौट गए हैं, जो भी लेना था सब हम लोग ले लिए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पर हम लोग कहाँ निकल रहे हैं ये भी आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा, स्टे ट्यून, बने रहिए और इन्जॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को। और हम लोग घर से निकल गए हैं, सोचे थे जल्दी निकलेंगे लेकिन बोलते हैं ना करते करते हो ही जाता है, और बेबी को लेकर के तो थोड़ा देरी हो ही जाता है। तो अभी हम लोग ये आर्मी कैंप है, देख रहे हैं आप लोग ये आर्मी कैंप है, हम लोग नामकुम पार कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए से रांची से जमशेदपुर का व्यू आप लोगों को दिखाते जाएंगे, तो हम लोग के साथ बने रही है। और बेबी को यहाँ हम अच्छे से कवर कर लिए हैं ताकि उसको ठंडा ना लगे, और हम लोग भी स्वेटर पहन लिए हैं ताकि बीच रास्ते में हम लोग को परेशानी ना हो, तो हम लोग बने रही है। हम लोग बहुत दिन के बाद स्कूटी में इतना लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, मन तो नहीं था लेकिन बस का भाड़ा भी इतना ज़्यादा है ना, तो फिर सोचे उतना में तो हम लोग अप एंड डाउन कर लेंगे एक दिन का भाड़ा में, तो इसीलिए फिर हम लोग डिसाइड किए कि धीरे धीरे रुक रुक करके हम लोग जाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं घर, आप उसको सस्पेंस में रखे थे तो हम लोग जा रहे हैं घर, और गए थे डेडिकेशन में उसके बाद फिर नहीं गए, छुट्टी मिला था लेकिन कुछ रीजन की वजह से जाम जाम के स्ट्रेस था तो नहीं गए, तो अभी सोचे चलो अभी छुट्टी मिला हूँ घूम के आते हैं। एंजल भी अपना दादा दादू से और दादी दादू से मिल ले तो उसको भी अच्छा लगेगा, बहुत मिस करती है। और हम लोग रुक रुक के जाएंगे, आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेट ही सही लेकिन सुरक्षित पहुँचना है। उधर बाबा लोग सोचे थे 2 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे लेकिन नहीं हो पाया, तो हम लोग का यहीं बच गया। बहुत मज़ा आएगा वहाँ भी आप लोगों को, उस समय हम लोग इतना बिजी थे, हमारे साथ जुड़े रहिए बने रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है शेयर करने से, तो चलिए बने रहिए।
सो गाइस हम लोग का थोड़ा सा ब्रेक हो गया है और हम लोग पहुँचे हैं एक ढाबा में, और ये ढाबा में अभी बेबी का खाना पीना हो रहा है। इसके बाद में हम लोग भी खाना सर्व किए हैं इधर, मतलब होटल में लिए हैं, और मिला है बहुत अच्छा सा सलाद है और सोयाबीन आलू का सब्जी भुजी अचार और इधर दाल। तो ये है खाना और इसे हम लोग झटपट खा लेते हैं, मज़ा तो आ रहा है। अभी तक का सफ़र बहुत मस्त रहा है हम लोग का, बेबी भी फटाफट खा रही है। सो अभी तक बहुत अच्छा लग रहा था चलाने में भी, रोड बहुत अच्छा है। अभी तक हम लोग एक घंटा का करीबन, एक घंटा नहीं लगभग 45 मिनट हम लोग सफ़र कर लिए, और हम लोग लगभग नहीं भी तो कम से कम बोलते 40 किलोमीटर के आसपास आराम से आ रहे हैं हम लोग। कोई हड़बड़ी नहीं था इसीलिए 40 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग ट्रैवल कर लिए, एक घंटा से ज़्यादा नहीं लगा हम लोग को, लगभग 40-45 मिनट्स में हम लोग इतना लंबा सफ़र कर लिए हैं। बेबी के कारण से हम लोग थोड़ा सा धीरे आना पड़ रहा है, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहुँच रहे हैं आराम से और अभी तक इंजॉय कर रहे हैं। तो बने रहिए हम लोग के साथ, फिर आगे का सफ़र भी दिखाते हैं। मेरा खाना खाना हो गया है और एंजल मज़ा ले रही है ढाबा का। इधर श्यामली खा रही है अकेले, क्योंकि मेरा खाना हो गया और अगर हम खाते रहते तो फिर बेबी को गोदी कौन करता, इसलिए खा लेना ज़रूरी था। तो मज़ा आया, एंजॉय किए, सिंपल खाना है द बेस्ट, ज़्यादा लटर पटर लंबा सफ़र है। अभी कम से कम हम लोग को और 3 घंटा जैसा लगेगा यहाँ से जाने में, तो फिर ऑन द वे है हम लोग के साथ में बने रहिए, क्योंकि तो काफ़ी लंबा सफ़र है, ऑलमोस्ट 4 घंटा 4.5 घंटा का रास्ता है। और बेबी के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा जब वो स्कूटी से लोगों के पास में जा रही है। सो स्टे ट्यून, बने रहिए हम लोग के साथ में और इंजॉय कीजिए। NH रोड हम लोग लंच करके निकल गए थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा हमें बेबी के लिए, और उसके बाद में अभी हम लोग रोड में ही हैं और जाने में हम लोगों को काफ़ी समय लगेगा। उम्मीद करते हैं कि सूरज ढलने से पहले हम लोग पहुँच जाए घर और मज़ा आएगा। इधर रोड तो मस्त है, झकास है, सुंदर लग रहा है। तो चलिए इंजॉय करते हुए ही जा रहे हैं, तो आगे भी लगता है, उम्मीद करते हैं कि इंजॉय करते ही जाएंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। सब तरफ हरियाली ही हरियाली, अब तो धान का समय हो गया है, तो अभी इसे काट दिया जाएगा। तो यहाँ गाड़ी से पार होते जा रही है, तब हम लोग भी निकलते हैं। सो ये है दिमा चौक, हम लोग पहुँच गए हैं जब सब कुछ श्यामली और बेबी, बेबी को देखे पूरा मज़ा लेते आ रही थी, सोते आ रही थी, और श्यामली अभी तक का सफ़र तो बहुत मज़ा आ गया है। बस अभी यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है, निकलते हैं यहाँ पर से और घर पहुँच करके फिर आप लोग से मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए घर और हम लोग का सफ़र बहुत मस्त रहा। इधर में बाबा, माँ कहाँ चली गई, उधर में माँ, इधर बेबी, उधर में श्यामली बैठी है, और भैया भाभी सब उधर पे हैं, अंदर में है। तो हम लोगों का सफ़र बहुत मस्त रहा और अच्छे से पहुँच गए, और हम सभी को बहुत अच्छे से पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हम लोगों का सफ़र मज़ा आया होगा। सो कीप लाइकिंग और ढेर सारा प्यार दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय बेटा, बाय 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 कर दो बेटा, इधर 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 उधर 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 इधर देखो, बाय बाय कर दो, इधर 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 बाय बाय कर दो, बाय बाय, इसको देख रही है। ठीक है, मिलता है फिर एक नए वीडियो में। कैसा लग रहा बेटा, दादू दादी के पास में आकर के कैसा लग रहा है बेटा, बेटा
दादू दादी के पास में आके कैसे लग रहा है तुमको, पहली बार राइड की है लॉन्ग ड्राइव में?